हेलो एवरीवन, कोटचूला हिल स्टेट में आपका स्वागत है। और आज डिनर में बनेगा मड़ुए के आटा की रोटी। इसमें गेहूं का आटा भी मिक्स होगा, इसमें गेहूं का आटा है ये, और ये मिक्स होकर बनेगा। इसमें है राइस, इसमें है आलू टमाटर की सब्जी, और ये बिल्कुल गर्मा गर्म बनेगा रोटी। और घी लगाकर इसे रात में हम एंजॉय करेंगे। और ये बन रही है इवनिंग की टी। यहाँ शुद्ध देसी खाना मिलेगा। अगर आप पहाड़ों के खाना के शौकीन हैं, गढ़वाली खाना के शौकीन हैं, तो आपको ये भी मिलेगा। और अगर आप बिहारी खाना के शौकीन हैं तो ये भी मिलेगा। अगर आप साउथ इंडियन खाना के शौकीन हैं तो आपको ये भी मिलेगा। अगर आप छोले भटूरे के शौकीन हैं पंजाबी खाना के, तो ये भी मिलेगा। कहना ये चाहती हूँ कि आपको हर तरह का डिश मिलेगा, पोहा, पाव भाजी, और बिल्कुल नो ऑनियन नो गार्लिक प्योर। और यहाँ एक फिश है। ये किचन का डाइनिंग एरिया है, यहाँ 4 चेयर होते हैं। तो अभी हेल्पर ने क्लीनिंग किया है आफ्टर लंच टाइम, तो अभी चेयर लगाया नहीं है। यहाँ के पेड़ का ये नींबू है, और ये है यहाँ का उत्तराखंड का माल्टा। कल यहाँ पार्टी हुई थी तो म्यूजिक सिस्टम है, और यहाँ मेरा हेल्पर बैठा हुआ है बाहर अपने मोबाइल में लगा है, और वो भी वीडियो डालता है यहाँ का। आप लोग उसका भी वीडियो देखिएगा। और ये देखिए, ये यहाँ स्टॉक सारे होते हैं, और हर चीज़ यहाँ अच्छी तरह से अरेंज कर रखा रहता है, ताकि कोई भी गेस्ट अगर खुद से खाना बनाना चाहे तो वो बना सकता है अपना खाना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये है किचन से बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा नज़ारा है। मैं थोड़ा बाहर निकलकर भी आपको दिखाऊंगी, तब तक ये चाय भी बनकर तैयार हो जाएगा। और चलिए बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको हम। उससे पहले आप देख लीजिए किचन का 360 व्यू। ये यहाँ का फ्रिज है, हल्का झलक फ्रीजर का भी देख लीजिए। ये जो सब्जी रखने का होता है उसमें ये सारे स्टॉक होते हैं, लस्सी वगैरह। यहाँ सारे बर्तन अरेंज होते हैं, मैगी वगैरह रखे हैं, एग वगैरह, ये आप देख सकते हैं। हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरा घर की तरह होता है। सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हैं। और ये देखिए किचन के बाहर अमरूद का पेड़, और यहाँ देखिए ऊपर स्टे के लिए रूम है, उसका आपको वीडियो बाद में मिलेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से सेपरेट। और ये देखिए यहाँ किचन के बाहर किचन गार्डन है। ये यहाँ मिर्ची, अरबी के पत्ते और पुदीना, देखिए अरबी का पत्ता भी है, अमरूद का पेड़, नींबू का पेड़, ये आम का है। और ये देखिए बाहर का व्यू है, और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ स्टे के लिए आते हैं वो लोग यहाँ अपना नाम पेड़ों पर लिख कर जाते हैं। यहाँ लोकल लोग भी आते हैं टाइम पास करने के लिए, है ना। इतना अच्छा व्यू है। और यहाँ आपको जो लोकल पर्सन आते हैं वो चाय, मैगी, पकौड़े, नूडल्स,
चाउमीन नूडल्स चाउमीन एक ही होता है, और ये सब पास्ता, मैक्रोनी, डोसा, अपम, इडली, मतलब बहुत सारे डिशेज़ यहाँ मिलते हैं। और ये देखिए सूर्य अब अस्त भी होने वाले हैं, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ऊपर योगा रूम है और नीचे स्टे के लिए है, यहाँ हम लोग खुद रहते भी हैं क्योंकि होम स्टे है हमारा, कोटचूला हिल इस्टेट के नाम से है ये। आप ज़रूर आइए, और आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, ऊपर लाइब्रेरी रूम है उसमें योगा भी होता है और लोग इत्मीनान से बैठकर व्यू देखते हैं और बुक पढ़ते हैं। अगर कोई शांति प्रिय हो तो उसके लिए अब इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं ये बड़े वाला नींबू है, बिहार में एक छठ का व्रत होता है उसमें ये नींबू बहुत चढ़ता है। हाँ देखिए देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है ऊपर भी, देखिए ऊपर भी लगे हुए हैं, देखिए बहुत सारे लगे हैं। ये आम का पेड़ है, और ये देखिए माल्टा, जो मैंने माल्टा दिखाया वो माल्टा इधर है, सारा माल्टा हम लोगों ने तोड़ लिया है, बस थोड़े से होंगे। और ये नींबू का पेड़ है जो कागजी नींबू होता है छोटा वाला वो, और यहाँ देखिए स्विमिंग पूल भी है यहाँ, और बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है। यहाँ कमल का फूल भी था, अभी वो दिख नहीं रहा है, खिला नहीं है आज। यहाँ पुदीना है और अरबी के पत्ते इधर भी हैं बहुत सारे। यहाँ मुर्गे मुर्गियाँ रहते थे, इधर गाय, अभी भी देखिए उधर शायद अमरूद है कि क्या, अमरूद का पेड़ है उधर, काफ़ी अच्छे मीठे अमरूद होते हैं। एक बार आप 360 व्यू तो देख लीजिए, और आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, और आप भी कोटचूला हिल इस्टेट में आकर एक खूबसूरत नज़ारों को देखें, इंजॉय करें। मैं इस कैमरे में एक नींबू को लेना चाहती हूँ, ये नींबू ऐसे लटका हुआ, हाँ ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ काला नमक डालकर इसको खाना, ये झूला है देख सकते हैं, झूला झूला है। आपने यहाँ का वीडियो देखा होगा, बिल्लियाँ, यहाँ बिल्लियाँ भी हैं। अभी शाम का टाइम है, कितना अच्छा नज़ारा है। ये श्रीनगर है, श्रीकोट, चौरास, ये देखिए ऊपर ये मचान बने हुए हैं, और ये है यहाँ का विद्या भवन, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, यहाँ का सीन देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए कैट, कैट को देखिए, देखिए हाय तन्नू मन्नू, इनका बेबी भी है, ये देखिए बेबी भी है इनका, मैं बाहर से ले रही हूँ। तन्नू मन्नू, तन्नू मन्नू, और दूर से आएगी ये तन्नू मन्नू है, इनका एक बेबी भी है, देखिए आ गए ना, ये देखिए देखिए ये। चलिए आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा ये देखकर। हाय तन्नू, हाय मन्नू, ये मन्नू है और ये तन्नू है बगल में, और इसका एक बेबी है सन्नू। तन्नू मन्नू सन्नू से अगर आपको मिलना है तो आप भी आइए इस कोटचूला हिल इस्टेट में, तन्नू मन्नू आपका स्वागत करेगी। तन्नू मन्नू बहुत खुश हो जाएगी जब आप आएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।